2020 में आई मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज फैमिली मैन ऑडियंस द्वारा बहुत पसंद की गई थी और तभी से फैंस इसके सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ दिनों पहले मेकर्स ने द फैमिली मैन सीजन 2 का पहला पोस्टर रिलीज करके सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी। नए पोस्टर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सीजन भी काफी धमाकेदार होने वाला है। पोस्टर में एक बम को दिखाया गया है जिसे कोई फिनिशिंग टच दे रहा है। बम पर जो टाइमर लगा है उस पर 2021 भी लिखा हुआ है। टाइम बम के पास मनोज बाजपेयी और सारी भास्मी की तस्वीर नजर आ रही है। अमेजन प्राइम वीडियो ने इस पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा, यहाँ टाइमर के बारे में पता नहीं है, लेकिन हम जोश के साथ विस्फोट कर रहे हैं। मनोज बाजपेयी ने भी सीजन 2 के पहले पोस्टर को शेयर करते हुए बताया कि नए साल में ये रिलीज की जाएगी। उन्होंने लिखा, बहुत हुआ इंतजार, आपके लिए न्यू ईयर का तोहफा लाए हैं, जरा ध्यान से खोलना। इस सीरीज की रिलीज डेट 12 फरवरी को रखी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो द फैमिली मैन को कई विदेशी भाषाओं में डब किया जाएगा और फिर इसे हिंदी के साथ साथ अलग अलग लैंग्वेजेज में दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। और शायद यही वजह है द फैमिली मैन 2 को रिलीज करने में अमेजन प्राइम वीडियो इतना समय ले रही है। फैमिली मैन सीजन 1 को मिले अच्छे रिस्पांस के बाद ही मेकर्स ने ये तय किया था कि सीजन 2 को दूसरे देशों में भी रिलीज की जाएगी। आपको बता दें कि 2019 में आई द फैमिली मैन से मनोज बाजपेयी ने OTT पर डेब्यू किया था। इस वेब सीरीज में उनके एक्टिंग को काफी सराहना मिली और दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि कब इस सीरीज का दूसरा सीजन आएगा। सीरीज की कहानी की बात करें तो यह एक मिडिल क्लास आदमी श्रीकांत की कहानी है जो सीक्रेटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए काम करता है। उसका परिवार भी इस बात से अनजान रहता है कि श्रीकांत क्या करता है। इस सीरीज में मनोज बाजपेयी बड़े ही शिद्दत से अपने घर और देश की जिम्मेदारी निभाते हुए दिखाई दिए हैं। द फैमिली मैन सीरीज के बारे में बात करते हुए निर्देशक राजनीति मोड़ो ने बताया, ऐसा पहली बार है जब हम सीक्वल बनाने जा रहे हैं। हमने पहले ऐसा कुछ नहीं बनाया है। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस शो के अंदर की दुनिया काफी एक्साइटिंग है। यह इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि हमें सबकी उम्मीदों पर खरा उतरना है। हमें इसे एक और कदम बढ़ाना ही था।